जी, अभी तक जो इस घटना के बाद में जितनी भी मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से जो पता चला है कि इनका एक शोरूम है टाइल्स का, उस पर जो है करीब 50 लाख या 55 लाख के समथिंग जो है वो शायद कर्जा है, जो जिससे पता चल रहा है लोगों से। और दूसरा ये है कि ये इनके बड़े भाई हैं अभिषेक जो है, वो उस पर बैठा करते थे। क्या इनका चाल चलन है ये पूरी कॉलोनी जानती है, क्षेत्र के लोग जानते हैं, लड़कों के साथ ये दबंगई करते थे और गुंडे प्रवृत्ति के जो लड़के हैं उनके साथ ही इनका रहना जाना था, इसलिए यहाँ समाज में लोग बहुत ज़्यादा भयभीत थे। कोई इनसे डर के मारे कुछ कहता नहीं था, अगर किसी ने कुछ कहा तो अगले दिन ही उसके घर पर जा कर के मारा पीटी करना, ये हरकतें करना, कोई उनका बच्चा है उसे रोकना, उसे मारना, ये इस टाइप से हरकतें करते थे। मेरे भी जानने वाले कॉलोनी में एक दो लोग और हैं जिनके भाई वगैरह से इनकी लड़ाई हो चुकी है, जिन्होंने इन्होंने जाके घर पर धमकियाँ दी हैं। तो इसलिए यहाँ कॉलोनी में लोग भयभीत थे। और इस घटना के बाद में कि माननीय विधायक जी के साथ में जो घटना घटी है वो एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम करा गया है, और जिन लोगों ने चढ़ा करके ये काम कराया है सोचना चाहिए कि किसी के समाज में कितना सम्मान है, उसके साथ में जो खिलवाड़ इन्होंने करा है ये बहुत गलत है। ये घटना आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोगों को पता चली कि ये इस तरह से इन्होंने एक सम्माननीय व्यक्ति माननीय राजेश मिश्रा विधायक जी की बेटी का जिस तरह से ये तथाकथित शादी वगैरह का प्रकरण आया, तो मैं आप लोगों के माध्यम से राष्ट्रीय चैनल के बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये जो लड़का है अजितेश, हम तो नाम भी नहीं जानते थे, ये अभी ठाकुर लिखता था अपनी गाड़ियों पे, और बाकी यो अभी सिंह, आप मेरे घर के पीछे इसका घर है, इसके पिता मेरे बड़े भाई समान रहे हैं, लेकिन आज वो चैनल पर जो बैठ कर बोल रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि उनके घर में भी बेटियाँ हैं। ये विधायक और मंत्री ये सब टेम्परेरी फेस है, स्थाई होता पिता 23 साल जिसने अपनी बेटी को पाला है उसके दर्द को ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। राजेश मिश्रा और उसके परिवार का इस तरह से शोषण हो रहा है। ये लड़का अभी तक यहाँ छत्री ठाकुर कहता था, अभी ठाकुर, आज ये राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के दलित हो गया है, तो हम सब आश्चर्यचकित हैं कॉलोनी वाले, ये दलित कब हो गए? हम लोगों के घरों में रोटी बेटी के रिश्ते हैं, भोजन पानी सब करते हैं, हम लोगों ने तो कभी नहीं माना इन बातों को। तो ये किस कारण से इस तरह से व्यूह रचना की जा रही है? एक शरीफ आदमी की बेटी भागी है, उसके दर्द को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, उसकी पीड़ा को ना समझ कर उनका मजाक बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है आप स्वीकार करेंगे। अरे भाई, ये तो उस पिता की पीड़ा समझो, कल के उनके ऊपर आघात हो जाए, कोई हार्ट अटैक आ जाए, वो मर जाए, उस परिवार को कौन देखेगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब ये खेल बंद कर दिया जाए। अभी ठाकुर, जो अभी ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं, या पूरा बरेली जानता है, थाना प्रेम नगर, थाना इज्जत नगर, अन्य थानों में उसका सारा उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, हम चरित्र से गिरा हुआ वो बच्चा है, और हमारा एक भाई के नाते हम उनको हरीश जी से कहना चाहेंगे कि ये वहाँ पे जाके अपनी पॉलिटिकल माइलेज ना लें, उन्हें विधायकी लड़नी है पूरनपुर से तो लड़ लें, लेकिन किसी के कब्र पे और किसी की लाश पे बैठ के ये राजनीति ना करें, अपने बेटे को ना सपोर्ट करें। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, और ये लड़का कितना लायक है जितना बैठ के चैनल के माध्यम से बोला जा रहा है, आप जाइए और जगह भी पता कर लीजिए, थाने बता देंगे। एक पक्षीय मध्य जिस तरीके की हम लोगों ने देखा, 9 तारीख को एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, इससे हमें पता लगा कि अभी सिंह माननीय विधायक जी की लड़की को लेकर के चला गया है, तो उसके बाद एक फिर वीडियो और वायरल हुआ, तो हमने सिर्फ एक चीज़ देखी कि न्यूज़ चैनल पे किस तरीके से माननीय विधायक जी का स्तर, उनका मनोबल, उनकी इज्जत उतारने के लिए लोग उतारू हैं। मुझे ये बताइए अभी किस तरीके का लड़का है, उसका चरित्र के बारे में, उसके बारे में। देखिए, मैंने अभी न्यूज़ पे सुना कि उसने कहा कि बरेली में मेरे बारे में पता कर लीजिए, तो हम बरेली के हैं, उसके पड़ोसी हैं, हम बताते हैं उसका चरित्र, उसका सर्टिफिकेट इज्जत नगर थाने से मिल जाएगा आपको, प्रेम नगर थाने से मिल जाएगा, उसके कई औरतों के साथ नाजायज संबंध हैं और उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर है, उसकी सन 2016 में एक एंगेजमेंट हुई थी जो कि दहेज के कारण टूट गई थी, और सिर्फ इतना ही कहूँगा, वो नशा करता है, कच्चा नशा करता है, गलत लड़का है। कोई भी बाप अपनी बेटी, चाहे वो बाप बिल्कुल ही उसकी गरीब हो, वो बेटी अपनी कभी ऐसे ऐसे लड़के को नहीं देना चाहेगा जो नकारा हो और जिसका करैक्टर इस तरीके का हो, तो कभी भी कोई बाप नहीं चाहेगा। तो मेरा सिर्फ निवेदन यही है कि आप मीडिया से निवेदन यही है कि आप लोग विधायक जी को इतना मत निराश कीजिए, इतना मत परेशान कीजिए कि वो आत्मदाह करने पे ही परेशान हो जाए, और आक्रोश उनके आक्रोश पूरी बरेली में है। बेटी उनकी गई है, हमारी भी बहन थी, हमारे घर में भी बहनें हैं, बेटियां हैं,
तो हम सिर्फ इतना ही निवेदन करेंगे कि अब इस चीज को विराम लगाया जाए और दूसरा पक्ष भी मजबूती के साथ, एक तो उनकी बेटी चली गई, ऊपर से आप लोग जो है पूरा तमाशा बना के नेशनल न्यूज पे बैठ करके वो लड़का जो है हीरो बन गया, उसके पिता हीरो बन गए, बेटी को पता नहीं किस तरीके से बहका दिया है, जो वो जिस बाप ने उसे पाला 23 साल तक, उसको पाला पोसा बड़ा किया, इस लायक बनाया, वो अपने पिता के लिए इस तरीके के अपशब्द कह रही है, जाने क्या जादू टोना कर दिया है।